Hello students, I hope all of you are doing fine. In the last class of your subject 102, Learning and Teaching, I explained the type approach in theories of personality. Today, I am taking the next approach, that is trait approach, which was given by Cattle. According to Raymond Cattle, personality is a pattern of traits that helps to understand a person's personality and predict his behavior. उन्होंने ये कहा था कि in all of us there are some permanent traits which helps us in building our personality and behavior. According to him, a person behaves and his personality is made up or groomed by these permanent traits which are present inside us. For example, जैसे उन्होंने एक ट्रेट का एग्जाम्पल दिया था सोशियबिलिटी. सोशियबिलिटी एक ऐसा ट्रेट है, अगर वो एक हाई लेवल में एक पर्सन के अंदर है तो दैट पर्सन विल बी मोर एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग, मोर सोशल. और अगर लो लेवल है तो क्या होगा, दैट पर्सन विल बी इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड. तो उन्होंने ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए थे जिनके बेसिस पे हमारी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है. कैटल ने जो पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए थे वो उन्होंने 16 ट्रेट्स दिए थे और उन 16 ट्रेट्स के बेसिस पे अ क्वेश्चनेयर वाज फॉर्म्ड व्हिच वाज कॉल्ड एज 16 PF. PF हियर स्टैंड्स फॉर पर्सनालिटी फैक्टर, सो दैट इज 16 पर्सनालिटी फैक्टर. This questionnaire is widely used today in the field of counseling, in the field of educational and vocational guidance of the students, in the field of business, in the field of managerial selections, and even in the clinical diagnosis of anxiety, depression, personality disorders, or behavior problems. Cattle divided the traits into two main parts. The first he said was surface traits. Surface trait जैसे कि नाम हमें समझ में आ रहा है ना कि हमारी surface पे होते हैं. They are found in the periphery of our personality. These are reflected in our day-to-day interactions. हम रोज की जो interactions करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन सब चीजों में ये निकल के आते हैं. इनको central traits भी कहा जाता है. जैसे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो गई, काइंडनेस, ऑनेस्टी, जेनरोसिटी, हेल्पफुलनेस, ये सब ट्रेट्स किस में आते हैं, सरफेस ट्रेट्स में. सेकंड जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट वाज द सोर्स ट्रेट्स. सोर्स ट्रेट्स ही सेड दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. जो भी एक पर्सन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है पर्सनालिटी का, दैट इज फॉर्म्ड बाय दीज सोर्स ट्रेट्स ओनली. सोर्स ट्रेट्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू सरफेस ट्रेट्स. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सरफेस ट्रेट्स रोज आप डे टू डे लाइफ में उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, सोर्स ट्रेट्स ऐसा नहीं है. दे आर नॉट वेरी इजिली ऑब्जर्वेबल. वेन दे आर पेयर्ड विद सोर्स ट्रेट्स कब बनते हैं, वेन दे आर पेयर्ड विद सरफेस ट्रेट्स. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, सोशियबिलिटी, अनसेल्फिशनेस एंड ह्यूमर, ये सारे क्या हैं, सरफेस ट्रेट्स हैं. जब आप इनको कलेक्टिवली एक नेम देते हो फ्रेंडशिप का या फ्रेंडलीनेस का, तो फ्रेंडलीनेस क्या बन गया, एक सोर्स ट्रेट बन गया. ठीक है, बहुत सारे सरफेस ट्रेट्स को मिलाकर सोर्स ट्रेट्स बनाए जाते हैं. इन्हीं सोर्स ट्रेट्स में से 16 को कैटल ने फाइंड आउट किया था एंड ही मेड द 16 PF टेस्ट. अकॉर्डिंग टू हिम देर आर मेन 23 सोर्स ट्रेट्स इन एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जिसमें से 16 ही स्टडीड इन डिटेल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स ही फॉर्म्ड अ क्वेश्चनेयर व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इज नोन एज 16 PF टेस्ट. ही ऑल्सो सेड दैट ये सब 16 ट्रेट्स हर पर्सन में होते हैं, बट डिग्री डिपेंड करती है, किसी में कोई ट्रेट हाई होता है, किसी में कोई ट्रेट लो होता है.
आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. जैसे कि दीज आर दी 16 ट्रेट्स गिवन बाय कैटल. एक साइड पर आप देखोगे ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आर दी ट्रेट्स. दूसरी साइड पे जो डिस्क्रिप्टर्स लिखे हैं, डिस्क्रिप्टर्स होते हैं द लेवल्स ऑफ द ट्रेट्स हाई एंड लो. जैसे वॉर्म्थ एक ट्रेट है, अगर वो हाई लेवल पे है तो क्या होगा, दैट पर्सन विल बी आउट गोइंग. लेकिन अगर वो लो लेवल पे होगा तो दैट पर्सन विल बी रिजर्व्ड. सिमिलरली बी देखेंगे हम, जैसे रीजनिंग है, अगर रीजनिंग ट्रेट हाई लेवल पे होगा दैट पर्सन विल बी इंटेलिजेंट, बट अगर वो लो लेवल पे होगा तो दैट पर्सन विल बी लेस इंटेलिजेंट. ऐसे ही इमोशनल स्टेबिलिटी है, अगर वो हाई होगी तो दैट पर्सन विल बी इमोशनली स्टेबल, बट अगर वो लो होगा तो दैट पर्सन विल बी ईजिली अफेक्टेड बाय दी फीलिंग्स. सो ऑन उन्होंने ये 16 ट्रेड्स दिए थे. जैसे आप लास्ट देखेंगे टेंशन, अगर टेंशन का बहुत हाई लेवल होगा तो वो पर्सन हमेशा कैसे रहेगा, टेंस्ड रहेगा. लेकिन अगर लो होगा तो दैट पर्सन विल बी रिलैक्स्ड. ठीक है, तो ये टोटल 16 ट्रेड्स दिए थे कैटल ने. अब फर्दर उन्होंने ट्रेड्स को दो और पार्ट्स में डिवाइड किया था बिहेवियर के बेसिस पे, कि हमारा बिहेवियर जो है बिहेवियर के बेसिस पे ही डिवाइडेड द ट्रेड्स इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन वाज डायनेमिक ट्रेड्स. दे आर दोज विच डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. हमारे बिहेवियर को फोकस्ड रखता है एक ही डायरेक्शन पे. जैसे एग्जाम्पल क्या है, एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स. अगर आप इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, क्या आप कहीं और फोकस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना. इफ़ यू आर सैड, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो यू विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली. सो दे आर दी डायनेमिक ट्रेड्स जो हमारे बिहेवियर को एक ही जगह पर डायरेक्ट करके रखते हैं. सेकेंड इज अबिलिटी ट्रेड्स. अबिलिटी ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमें अपने गोल को रीच करने में हेल्प करते हैं. जैसे सपोजेडली म्यूजिकल एबिलिटी इज अ मस्ट फॉर बिकमिंग अ म्यूजिशियन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें ये एबिलिटी नहीं है वो म्यूजिशियन नहीं बन सकता है. आई हैव ऑलवेज सेड कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करो तो नहीं बन सकते हो, बट अगर आपके अंदर वो ट्रेट है तो वो बेटर हेल्प करता है. एक ऐसा पर्सन हु इज इनबॉर्न टैलेंट है जिसके अंदर, वो बहुत अच्छा एक्सेल करेगा किसी भी फील्ड में. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ट्रेट थ्योरी, ट्रेट अप्रोच दैट वॉज गिवन बाय रेमंड केटल. एंड इन द नेक्स्ट क्लासेस टू कम वील बी डिस्कसिंग अबाउट द मोर थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस.